हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप मुझे देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड पर। एनएन बॉलीवुड यानी कि वो तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं जो होती हैं फिल्म जगत से जुड़ी हुई। और दोस्तों वैसे अगर हम बात करें लॉकडाउन की, इस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, वजह है कोविड-19 कोरोना वायरस। भारत में भी लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जब लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हुआ तो कई जगहों पर वाइन शॉप्स को रियायत दी गई इस लॉकडाउन में। और जैसे ही रियायत मिली, वाइन शॉप्स खुली और ये कहा जाए कि जो शराब प्रेमी हैं उनकी जो ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई वो वाकई में हैरान करती हैं, हंसाती भी हैं, आपको नाराज़गी में भी डालती हैं, चिंता भी बढ़ाती हैं। और कुछ इसी तरह से जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी, वीडियो सामने आ रहे थे कि लोगों की भीड़ वाइन शॉप्स के बाहर किस तरह से उमड़ पड़ी, इस पर सोशल मीडिया पर एक अलग तस्वीर नजर आई, एक अलग रंग नजर आया और कुछ इसी तरह की हलचल इन तस्वीरों को लेकर फिल्म जगत में भी देखने को मिली। दरअसल फिल्म निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा और सोना मोहपात्रा के बीच में एक तस्वीर को लेकर ट्वीट वॉर शुरू हो गया। और वो तो ये मानिए कि ट्वीट वॉर की बस शुरुआत थी। फिल्म सिनेमा जगत के जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं उनके जो रिएक्शन सामने आए वो आज हम आपको बताते हैं किस तरह से ट्वीट वॉर हुआ और शराब की बिक्री, दुकानों पर उमड़ी भीड़, इसको लेकर आखिर सेलिब्रिटीज़ क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक एनएन बॉलीवुड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो जाए। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट में कुछ लड़कियों की शराब के लिए कतार में खड़े होने वाली वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, देखिए शराब की दुकान के बाहर लगी लाइन में कौन है, यही लोग शराबी लोगों के खिलाफ जमकर आवाज उठाती हैं। शायद राम गोपाल वर्मा अपने इस ट्वीट में कहना चाह रहे थे कि शराब के चलते घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है, अब ऐसे में महिलाओं को शराब नहीं पीना चाहिए। राम गोपाल वर्मा का ये ट्वीट सोना मोहपात्रा को रास नहीं आया और उन्होंने जमकर खरी खोटी सुना दी। सोना ने इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, राम गोपाल वर्मा आपको इन लाइंस में खड़े होने की जरूरत है जहां असल में शिक्षा मिलती है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपका ट्वीट लैंगिक भेदभाव और अनुचित नैतिकता से भरा हुआ है। औरतों को भी मर्दों की तरह शराब खरीदने का हक है, हाँ किसी को भी पीने के बाद हिंसा होने का अधिकार नहीं। दोनों की इस ट्विटर जंग में सोशल मीडिया यूजर्स के भी काफी रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं मलाइका अरोरा ने भी शराब की दुकानें खुलने पर रिएक्शन देते हुए अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, मुझे समझ नहीं आता आखिर ऐसी क्या जल्दी थी जो शराब की दुकानें खोल दी गईं, और ये कोई ज़रूरत का सामान भी नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब आइडिया है, इससे माहौल ख़राब होगा और घरेलू हिंसा बढ़ेगी, बच्चों के प्रति हिंसा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। रवीना टंडन ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए लिखा, बहुत अच्छा, पान और गुटखे की दुकानें खुलेंगी, थूकना फिर शुरू हो जाएगा, बेहतरीन। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी इस पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, ये लो सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी, बेवकूफ लोग, शराब से ही कोरोना को मारेंगे ये। शराब की दुकानें खुलने पर मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भी अपना रिएक्शन दिया। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने से इसके परिणाम विनाशकारी आएंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि आखिर जिस तरह से वाइन शॉप्स, पान गुटके की जो शॉप्स खुली उसको लेकर फिल्म जगत के सेलिब्रिटीज़ के अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए। कई की यही राय है कि जिस तरह से लोग घर से बाहर निकले वो जानलेवा साबित हो सकता है, वो बहुत रिस्की है क्योंकि कोरोना बहुत ही ये कहा जाए ज़रा से में फैलता है, तो ज़रा सी लापरवाही होगी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप भी प्लीज़ सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ध्यान रखिए। तो आपको हमारी आज की खास पेशकश कैसी लगी आप हमें बताना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें, और आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहते भी हैं फिल्म जगत को लेकर आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन उसके पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक एनएन बॉलीवुड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो।